ठिकाने देखिए, अभी उसको हाथ 10 रुपए देंगे, उसके बाद क्या करना है हाथ। हे गाइस कैसन बा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस क्या है कि सुबह सुबह आज भी प्रज्वल आ चुका है और ये लल्ला भी सोया हुआ है यहाँ पे। लल्ला इसको भूक रहा है, तुमको लल्ला भूक रहा था क्या? काटने दौड़ रहा था ना कल कहाँ काटा देखे उंगली पे तुम्हारे, देखे दिखाओगे कहाँ काटा देखे कहाँ काटा था क्या लगा था यहाँ पे निशान है, कहाँ पे निशान है, कहाँ पे दिखाओ, दिखा जल्दी कहाँ कटा है, यही क्या कहीं कटा है क्या? झूठ बोल रहा है अबे झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है भाई। चलो इसको चलो लल्ला को अभी देखो लल्ला डर जाएगा, अभी देखना, अभी देखो बाल मैं ऐसे करूंगा अपना, गाइस अभी चलते हैं दुकान पे और पैदल ही चलेंगे। तो दुकान पे टहल के आया जाए, देख रहे हैं क्या वहाँ पे हो रहा है। अभी मिल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए मिल के बारे में, मिल के बारे में क्या बता रहे बताइए। मिल से आपको कुछ लाभ नहीं है, मिल से आपको पैसा मिलेगा 5,000 रुपए। मिल से हम मिलल बाबा, हम खात नहा था जल्दी। अरे चाचा रात को मिल में सोते हैं, पूरा शरीर इनका काला हो जाता है। नहीं हम ये कह रहे हैं कि चाचा से कि हमको भी काम आप दिला दीजिए, हम भी करेंगे आपके साथ काम। कई ले भाई, हमने देखा लाला कई ढोल धोई ला, हम रोड ऑफ डांस करी ला, हम भाई 2.5 हाथ वाला छोटा भाई पैसा वाला बाबा। तो हमारे फिल्म में काम करोगे? फिल्म में काम कर हमरे, तू ते करबे काम फिल्म में हमरे, तू कर फिल्म में काम, फिल्म में काम ना करबे तो भैया ना करी है ऐसा कहना, काम कर पैसा दे तो पैसा ना, गुंडा रोल मेरी गुंडा रोल हाई वाला जो डकू है इसरा रहा है तो काट डाल रहा हूं तो के देर में करबे है वा हमरे ना वाला, लेकिन तब सिखा देबे ना हम, नहीं हमरे अभी ना कर रहा है ना पैसा दे 200 रुपए दे मैं एक दिन के, बस खाली आधा घंटा काम, ऐसे आधा घंटा वैसे निकल रही है मालूम कौन गुंडा वैसे मारे भिशु आधा घंटा 200 रुपए दे, क्या आधा घंटा 200 देंगे कर दे काम, हम सब तुमको सब सिखा देंगे करोगे हाँ? अब क्या लेना बताओ, कितने चाहिए? इक्का तुम 10 रुपए दी हो ना, तो 5 के चाहिए, 5 का कौन सा चाहिए, चाहिए तुमको भाई? हम 5 रुपया डालिए भाई चाहिए, हाँ चितावा चितावा नमकीन चाहिए, ठीक है। सरसों कहाँ से लेके आ रहा हो? मदरापर से। कितना बीघा बोले आता? 10 बीघा बा। 10 बीघा अकेले कटवा काट भी नहीं मरते हैं। तो गाइस देखा जा की भोजपुरी बताओ थी आने दिए सरसों काट के लावा तटे, और तो गाइस चलते हैं बाहर और सूरज दुबे जी आए हुए हैं, देखते हैं क्या बुला रहे हैं भाई हमको। क्या भाई किधर चल रहे हैं? चौराहे भी चल रहे हैं, कोई ऑटो ऑटो का जुगाड़ करना है
और आज फिर से जाएंगे मैदावल और वही सामान लाना है, एक ग्राहक को देना है। तो मेरे साथ यही है, इस समय इन्हीं के साथ चलना है, संग जीना है संग मरना है। गाना में कहती लगती कभी कह के गया है भाई। सभी हम लोग ई रिक्शा में बैठ के चल रहे हैं, चाचा के रिक्शा में, और आवाज काफी तेज आ रही होगी खड़खड़ाहट की। और इधर सूरज भाई बैठे हुए, और भाई क्या हाल है? दुखी मत रहो यार, जिंदगी में खुश रहो, आया कर दो। और चाचा बढ़िया है? भाई देखिए इतना बड़ा गड्ढा है और चाचा जी ले चल रहे हैं बड़े ही हौले हौले से। और देख सकते हैं कि भाई मैं इधर कैमरा भी हैंडल कर रहा हूँ। आइए आप निकालिए, सूरज आप पीछे रहना ठीक है भाई, क्योंकि गड्ढा धक्का भी दे, धक्का भी दे सकते हो, धक्का भी दे दो, धक्का नहीं दे, धक्का देना बहुत गुनाह है। चलो भाई अभी बैठते हैं अंदर। ये ऐसा गेट है, क्या फायदा गेट लगा के जब इधर से पूरा खुला हुआ है। वो भाई देखिए भाई सूरज, क्या फायदा इसका। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हमें लग रहा है कि कुछ विवाद में फंसा हुआ है। ये बात नहीं, तभी दिक्कत क्यों चाचा, विवाद में लग रहा है नहीं? अब देखना पड़ेगा। वो भाई मेरा चप्पल गिर गया था, तो मैं भी जस्ट चप्पल लेके आ रहा हूँ अपना। चलो भाई अब ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं होने देंगे। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोग मैदावल, अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। तो गाइस अभी यहाँ से ले रहे हैं हम लोग को आलू, और चलते हैं भैया की दुकान पे, अभी आलू पूछते हैं। पूछिए आलू कौन कौन बेचते हैं, कौन कौन सा बेचते हैं आप? जैसे ये एलटी है क्या? ये एलटी ये है, वो सेवन है। 30 रुपए आज चाहिए, 52-900 है। तो गाइस अभी हम लोग का सामान निकल रहा है और वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ कर। तो तब तक चलते हैं कहीं घूम घूम के आते हैं चाचा। चले मंदिर पे, क्या मंदिर चले, क्या मंदिर पे। तो गाइस देखिए मैं अभी पहाड़ पे बैठा हुआ हूँ और जगह है नहीं, तो किसी तरीके बैठ के चला जा रहा है। और मजे से देखिए मैं बैठा हुआ हूँ अंदर, बड़े ही बुरी तरीके से बैठा हूँ, जगह है नहीं, लटक के चलना पड़ रहा है। तो टेम्परेगंज करमैनी ढाला, अच्छा अच्छा मिलेगा नहीं ताला। जी के दुकान पे आप लोग रुकिएगा, चाचा को चाय पिलवा दिया जाए, उसके बाद तो भाई चलते हैं अभी इस वाली दुकान पे, लस्सी पियेंगे, चाचा को मिल देंगे। लस्सी पिलाइए, चाचा भी पियेंगे। अच्छा छो का अच्छा छा क्या छाछ नहीं है? आ जाओ आ जाओ, 20 रुपया गिलास, अब 25 रुपया बट्टा, आवा हो लग गए सस्ता में सस्ता। देखिए दादा लीजिए 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 महाराज जी, नहीं लेंगे क्या हमारा दिया हुआ? आप हमारा दिया हुआ नहीं खाएंगे? तुम क्या आओ आओ, मर्चा हो नगीनिया, मर्चा हो, मर्चा हरियर का मर्चा हो, कटहल का मर्चवा हो, तेलवा हो, सस्ते तेलवा हो, पतरिया हो। देख सकते हैं कि काफी पानी भरा हुआ है, तो इसे पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी कहाँ जाएगी, लेकिन गाड़ी तो निकल पड़ी है बस हौले हौले से। ये अंदर बैठे हैं और आराम से बैठ के चल रहे हैं, चाचा गाड़ी चला रहे हैं, और पीछे कौन हॉर्न मार। अच्छा अच्छा, अरे अरे अरे, रुक जा रुक जा रुक जा, पलट जाए पलट जाए पलट जाए, पक्का पलट जाए। हाँ हो चाचा, एकदम पलट जाए, एकदम पलट जाए, एकदम पलट जाए, मजाक नहीं, पलट जाएगा भाई। गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, वो भाई देख सकते हैं अभी तो पलट जाता, लेकिन बच गया भाई। चलो भाई बस 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 बस, 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 बस।
हो गया। अभी और उसको और पार कर लिया जाए, चलिए नदिया के पार कर लिया जाए पहले। उधर देखना भाई, उधर देखना। इधर देखो भाई, आगे नहीं है, सेंटर पुल, सेंटर फुल। पंडित जी कहेंगे चप्पल पर पहन किसी बैठा है, क्या बताएं हम, माफ करिएगा भगवान हमको, जगह के कारण की ना होने के कारण हमको ऐसी व्यवस्था में बैठना पड़ रहा है। आइए आइए आइए, नगिनिया मरचा बाबा, आवाज लग गए सस्ता में। बता नहीं सकता क्योंकि जगह के कारण की वजह से मुझे लेट के जाना पड़ रहा है भाई। और ले हो मर्चा और क्या हूँ, मर्चा प्याज बैगन आलू नगिनिया मर्चा लहसुनो मर्चा चाहिए मर्चा मैं मर्चा चाहिए कौन मर्चा नगिनिया मर्चा। तो रास्ते में हो रहा था यहाँ पे बोर और गाड़ी निकल नहीं पाएगी, तो अभी रास्ता क्लियर करा के फिर निकलते हैं। तो गाइस देखिए कि अभी हमारे मालिक जी पीछे बैठे हुए हैं, वो बोले कि कपड़ा उतार दीजिए आपको 10 रुपए देंगे। 10 रुपए से मेरा कम से कम, तो मैं सोचता हूँ कि 10 रुपए में सुबह आके जलेबी खा लूंगा 2 दिन के लिए, तो ऐसी कुछ दिक्कत हो गई है। पैसा है लेकिन घर मांगूंगा नहीं अपने नंबर। ये धीरज भैया कपड़ा उतार रहे हैं, हाँ उसमें डालो, उसी में डालो, हाँ उसी में डालिए। देखिए अभी उसको हाथ से 10 रुपए देंगे, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हाथ में पकड़ लीजिए उसको, हाथ में लीजिए उसको भी उतार लें। हाँ जुगाड़ कौन बनाया था? पहले पाइप रहा था, और कुछ उतारना है, झोला उतारना था। तो भाई देखिए ऐसे उठा पहले भी। भाई देखिए इतना सारा हमने सामान उतार लिया है, अब चलते अंदर लेके। चलो भाई कहाँ रखना है, कुर्सी के पास सारा व्यवस्था हम। पाइप अभी और उतारना है ना, कहाँ पे अभी है नहीं, वहाँ पे टंगा हुआ टंगा है नहीं, कौन सी दकर भाई। तो चल रहे हैं कपड़ा उतारने, अभी दो तीन कपड़ा रह गया है। वेरी गुड धीरज जी, बस ऐसे ही लगे, हाँ बस एकदम। और क्या है भाई, बस एक ये है लेडीज डेनिम जैकेट है, उतारने जा रहे हैं इसको, बस वेरी गुड। अब इसको अंदर रख दीजिए, हाँ बस हो गया भाई, फाइनल सारा हो गया। अच्छा चलिए अंदर आप रख दीजिए उसको, और सामान दे भाई, लेबर चाह तू खाली बताओ कौन वाला है मैनेजर। अरे सबसे क्या लगता है मैं बाहर काम कर पाऊंगा, एकदम 100% आपका एक्सपीरियंस है करने का। क्या आते हैं देखते हैं कि बाहर लोग काम करते हैं तो कैसे दुकानदार काम करवाते हैं और लेबर काम करते हैं, तो आज का कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा। देखिए आप लोग और जितने भी बड़े घर के लड़के हैं वो लोग से मुझे मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग कोई भी काम करिए, छोटा बड़ा शरमाइए मत। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, लेकिन गांव वाले कहते हैं बड़मनी बड़मनी पत्नी बड़मनी छपनी क्या होता है हम नहीं जानते हैं, तो हम काम करेंगे आप लोग देखिए।